दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया को वनडे में जबरदस्त तरीके से मार दे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज इस समय 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। गौरतलब है कि मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पारी का 13वां ओवर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या करने आया और इस ओवर की तीसरी एक की बाहर जाती हुई गेंद को स्टीव स्मिथ थर्ड मैन की तरफ एक साथ खेलना चाहते थे, पर गेंद बल्ले से लगकर सीधे विकेट के पीछे मुस्तैद केएल राहुल के दास्तानों में चली गई। बता दें कि मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 18 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए हैं। क्रीज पर इस समय मिचेल मार्श 65 और मानस लाबुसेन 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि अभी तक भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला है। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 59 रन बनाए हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हरा देगा नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं और पल पल की अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।